हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के हमारे इस YouTube चैनल पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ निशांत कुल। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 28 दिन में ऐसे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि एक महीने के अंदर हम अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे NDA का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है। अगर आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप अपना प्लानिंग करेंगे, इस तरीके से अगर आप अपना वर्कआउट करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक महीने के अंदर आप अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर कर पाएं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं जो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वो होगा मैथमेटिक्स का, इसके अलावा इंग्लिश और GK का एक अलग से वीडियो होगा, उसमें आप देख सकते हैं। हमारे कोई भी NDA के रिगार्डिंग, कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बेल आइकन दबाइए, इसमें सारे NDA के रिगार्डिंग वीडियोज आपको मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा जो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके घर में छोटे बच्चे, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, APS दक्ष है, इन सभी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारा ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इस वीडियो हमारे इस चैनल में हमने आप सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए, और जो भी आपकी क्वेरी होती है उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बेल आइकन दबाने से जो भी नोटिफिकेशन आती है डिफेंस फोर्सेज के रिगार्डिंग वो आप तक टाइम से पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिसार हरियाणा के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा चुकी है जहाँ पर बच्चे फुल्ली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बच्चे अपना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो बड़े छात्र, जब हमारे पास 9th और 10th से हम बच्चों को NDA के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो अपना NDA का रिटर्न एग्जाम कैसे क्रैक करना, कैसे कम समय में फर्स्ट चांस में अटेम्प्ट करना है उसके रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन करवाते हैं। दूसरा एक हमारा बैच अलग रहता है जहाँ पर बच्चे अदर रैंक्स के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि आर्मी GD की जो भर्ती होती है, आर्मी GD, क्लैरिकल, नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं, एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं काम की बात पे। NDA जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ, NDA का एग्ज़ाम आप कैसे टारगेट अपना करें कि 28 दिन की मेहनत के अंदर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, इसका मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको आप एक देखने से पहले आप क्या कीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए और अपना पेन हाथ में उठा लीजिए और जैसे मैं बताता हूँ उसको आप चार्ट को नोट कर लीजिए। अगर आपने चार्ट नोट नहीं कर पा रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इस टाइप से इसको प्रिपेयर किया है चार्ट को, इसमें मैंने टॉपिक के नाम और कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब वो कितना आसान है या मीडियम उसका है क्वेश्चन या फिर काफ़ी टफ टॉपिक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और थर्ड में आता है कि कितने टाइम में हमने इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कितने समय, कितने दिन में हमने कवर करना है, और एक दिन में हमें कितने घंटे स्टडी करना पड़ेगा ताकि हमारा ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाए। ये देखिए हमने पूरा इसको टॉपिक वाइज चैप्टर्स को बताया कि इसका कितना महत्व है, इस टॉपिक से इस टॉपिक को आपने कितने दिन में कवर करना और कितने घंटे आपने स्टडीज करना है। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत कम स्टडी, जितना मैंने टाइम बताया उससे कम समय में इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कि इतना टाइम तो इतने टाइम में तो आपने कवर करना ही करना है। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, जो MCQs होते हैं, उनकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। ये मैं मैथमेटिक्स का वीडियो बना रहा हूँ, ये जो टाइम शेड्यूल मैंने बनाई है केवल मैथ के लिए, इसके अलावा आपने GK और रीजन इंग्लिश के लिए आपने अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, उसके मेरे अलग वीडियो होंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एलजेब्रा सेट थ्योरी हमने एक दिन के अंदर कवर करना है और 8 घंटे हमने पढ़ाई करना पड़ेगा, 8 घंटे की स्टडीज में हमने क्या करना है, एलजेब्रा सेट थ्योरी। इस तरीके से आप अगर डिवाइड करके चलेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एक महीने के अंदर आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। एलजेब्रा रिलेशंस, एलजेब्रा को हमने 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो एलजेब्रा रिलेशंस का है वो थोड़ा इजी है, उसको हाफ डे में हम 4 घंटे की स्टडी के अंदर अगर करें तो कवर हमारा हो जाएगा।
एलजेब्रा फंक्शंस इंटेंस है, थोड़ा मुश्किल है, उसको हमें 3 दिन का समय चाहिए और 12 घंटे हम स्टडी पे लगाएंगे। ठीक है, 12 घंटे को हम कवर करके फंक्शंस को कवर करेंगे। एलजेब्रा बाइनोमियल थ्योरम, इसको हाफ डे और 5 घंटे, मतलब 5 घंटे की हमने स्टडी, आधे दिन के अंदर ही हम इसको कवर कर देंगे। जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमने क्या करना है, इंग्लिश और जीके करना है। ठीक है, उसको कितना कितना टाइम देना होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर हाफ डे और 5 आवर्स की स्टडीज इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी। एलजेब्रा सीक्वेंस सीरीज, ये मॉडरेट रहेगा, हाफ डे रहेगा और 4 आवर की इसमें स्टडीज आपको रिक्वायर्ड रहेगी। एलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंटेंस है, थोड़ा मुश्किल है, इसको हमें 2 दिन के स्टडीज में डिवाइड किया, 2 दिन के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे और 12 घंटे हम इसको पढ़ेंगे, 12 घंटे में हम इसे कवर करेंगे। देन मैट्रिक्स, ये इंटेंस है, 2 घंटे और 16 आवर्स की स्टडी के दौरान हम इसे कवर करेंगे। थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, मैट्रिक्स से क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, एमसीक्यू साथ में करनी है, मैक्सिमम जितना टाइम आप स्टडी करेंगे आपने क्या करना है, उससे 1/4 पार्ट में एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करें। मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 10 घंटे आपने क्या करना, 2-2.5 घंटे एमसीक्यू के ऊपर देना है, जो आपने सिलेबस कवर किया उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर वो प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, क्योंकि यार ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग ना हो, हमारे माइनस में ना जाए, तो इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इंटेंस है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, 1 दिन का टाइम हम इसमें लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में 8 घंटे की स्टडीज हमने यहाँ दे दी। देन ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस मॉडरेट है, मीडियम है और हाफ डे की स्टडी दी है, 3 घंटे में इसको हम कवर कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, वो लेस है, तो हाफ डे और 4 आवर्स का हमने टाइम यहाँ डिवोट कर दिया। देन एनालिटिक्स 2D कोऑर्डिनेट, लेस है, हाफ डे और 4 आवर्स हमने इसमें डिवाइड। आप लिखते रहे, अगर आपने लिख नहीं रहे, जिसके पास में नोटबुक या पेन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, देन एनालिटिक स्ट्रेट लाइंस इंटेंस, 1.5 डे लगेगा, 10 आवर्स की स्टडीज के लिए सफिशियंट है। देन सर्कल एनालिटिक्स में सर्कल आ गया, मॉडरेट है, हाफ डे, 3 आवर की स्टडीज इसके लिए सफिशियंट रहेगी। कॉनिक्स में आ गया, 1 डे फुल लगाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, और इसको हमें 8 घंटे कम से कम हमने टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के ऊपर आपने फोकस ज़्यादा देना है, लेकिन ये इजी है, काफ़ी इजी है, और ये नंबर्स आपके यहाँ ज्योमेट्री में ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए आपने ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हाफ डे इसमें हमने दिया और 3 आवर की स्टडीज इसके लिए सफिशियंट रहेगी। देन उसके बाद लाइन, लाइन में इंटेंस थोड़ा मुश्किल है, 1/4 डे इसमें हमने यूज किया और 2 आवर्स में कंप्लीट किया। इसके 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट आता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 1 क्वेश्चन है, तो ये चीज़ में भी हमने ध्यान रखनी। प्लेन एनालिटिक्स, प्लेन 3D प्लेन मॉडरेट है, हाफ डे में सफिशियंट है, 4 आवर्स की स्टडी सफिशियंट रहेगी। देन स्फीयर लेस है, 1/4 डे इसमें हमने लगाया, 2 आवर्स की स्टडीज सफिशेंट है ये। एंड देन उसके बाद डिफरेंट क्या आ गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसका मॉडरेट है, 1 डे और 8 आवर्स की स्टडी इसके लिए सफिशेंट रहेगी। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन, मॉडरेट, 1 डे, 8 आवर्स की एफिशिएंसी, मतलब इसके लिए सफिशियंट रहेगा। 8 आवर्स हमने इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मॉडरेट रहेगा, 1.5, सॉरी हाफ डे रहेगा और 4 आवर की स्टडीज इसके लिए सफिशियंट रहेगी। तो इस तरीके से हमने अपने आवर्स को डिवाइड करना है। आप इसके अलावा अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने प्लान किया इसके अकॉर्डिंग आप 28 डेज के अंदर, मैंने जो ऊपर बताया था, आपसे गारंटी ली थी कि 28 दिन के अंदर आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है, आप कर पाएंगे। और देन उसके बाद आ गया एरियाज बाउंडेड बाय रीजन, ये लेस काफ़ी ईजी है,
हाफ डे में कवर हो जाएगा। 3 आर की स्टडी सफिशियंट रहेगी। देन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटेंस है, थोड़ा मुश्किल है, एक दिन को हमने पूरा एक दिन दिया इसके ऊपर, और 6 घंटे की स्टडीज इसके ऊपर सफिशियंट रहेगी। वेक्टर एलजेब्रा लेस है, ईजी है, 1 डे 8 आवर्स का हमने यहाँ टाइम इसको दे दिया। प्रोबेबिलिटी इंटेंस है, मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा काफ़ी आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमने एक दिन का पूरा दिया, 8 आवर्स का हमारा। स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मुश्किल, थोड़ा मुश्किल रहता है, और इसको 2 डेज में हम कंप्लीट करेंगे 16। इस तरीके, ये जो हमारा प्लान है ना, इस तरीके से हम बच्चों को प्रिपरेशन करवा दें। तो आपने ध्यान देना, जो भी स्टूडेंट एनडीए के रिगार्डिंग, जो भी पेरेंट्स अपने चाहते कि हमारे बच्चे को हम एनडीए के लिए प्रिपेयर करें, तो वो इंतज़ार ना करें कि वो +2 पास होगा तभी हमारे पास लिखे। आपने क्या करना, अगर बच्चा 10th या 11th क्लास में अभी पढ़ रहा है, तो आप हमारे पास लेके आइए, हम उसे बिल्कुल, जब तक वो +2 में होगा तब तक हम उसको इस तरीके से तैयार करेंगे बच्चे को कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में +2 के दौरान ही अपना एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो इस तरीके से ये 28 डेज का हमने शेड्यूल बनाया हुआ, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स हो गया 202, 202 घंटे में 28 दिन के अंदर इस तरीके से मैथमेटिक्स क्लियर होगा। अगर आप हमारे बताए हुए चार्ट के अनुसार चलते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। बस शर्त है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने का। तो ये था हमारा इसका तरीका, और एनडीए के रिगार्डिंग। तो कैसा लगा, अगर आप अच्छा लगा तो आप एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई और क्वायरी है तो आप हमें कमेंट के ऊपर लिख सकते हो, या फिर आप हमें दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं इंग्लिश और जीके का एक अलग से वीडियो रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले, धन्यवाद।